नमस्कार, हेल्दियन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ढाबा स्टाइल पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में तो आसान है ही, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर क्यूब्स में कटे हुए, पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना ली है, 2 टमाटर कद्दूकस किए हुए, अदरक लहसुन हरी मिर्च को कूट लिया है, 3 बड़े आकार के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, इन सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब एक कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से भूनना है, जिससे ग्रेवी का टेस्ट और अच्छा आएगा। अब प्याज सुनहरा हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन हरी मिर्च कूटी हुई। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर इसके साथ बहुत अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मैंने लहसुन का ज़्यादा उपयोग किया है, क्योंकि पालक पनीर में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। अब लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज के साथ अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को जल्दी से पकाना है तो इसमें अब डाल लेंगे नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे, जिससे टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से एक ग्रेवी के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से टमाटर गल चुका है। अब टमाटर प्याज से तेल बाहर आ रहा है, अब डाल लेंगे सूखे मसाले। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को डालकर थोड़ी देर तक भुनेंगे। सूखे मसाले डले हैं तो जले ना, इसके लिए डाल लेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पकने से ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, बाहर आपको कोरमा दिख रहा होगा। प्याज टमाटर का मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी डालकर इसे अच्छे से भुनना है, लगभग 5 से 7 मिनट तक। पालक का प्यूरी का कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ग्रीन है, नहीं तो कई बार हम पालक उबालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं पालक कैसे उबालती हूँ, तो आपको उस रेसिपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पालक और मसाला बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे गरम पानी। यहाँ पे ठंडा पानी का उपयोग ना करें। आपको जितनी गाढ़ी या पतली ग्रेवी रखनी है उतना पानी को ऐड करें। जब आपकी ग्रेवी में उबाल आ जाए तो इसमें ऐड कर लें पनीर। आप अगर चाहें तो यहाँ पर फ्राई करके भी पनीर को डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से डालना पसंद है। पनीर को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स करेंगे और इसे ढक कर 2 से 3 मिनट तक धीमी आँच पर पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं पालक पनीर बनकर रेडी है। अब इसे आप सर्व कर सकते हैं रोटी, पराठे या नान, किसी भी चीज़ के साथ, बहुत ही खाने में लाजवाब है। अगर आपको पालक पनीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई दीजिएगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।